देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। विजासन रोड स्थित अखंड धाम पर 55वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन 8 से 14 दिसंबर तक होगा। सम्मेलन में देश के जाने माने 40 से अधिक संत, विद्वान, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर एवं तपस्वी संत आएंगे और आम नागरिकों को सनातन धर्म, वेदांत की उपयोगिता, धर्म एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के साथ ही वृद्धाश्रम, संयुक्त परिवार, शिक्षा और संस्कार, साइबर क्राइम, स्वदेशी को प्रोत्साहन, युवाओं में राष्ट्र प्रेम, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी अपने विचारों से अवगत कराएंगे। सम्मेलन में प्रतिदिन दोपहर 2 से 5:30 बजे तक संत विद्वानों के प्रवचन होंगे। हरि अग्रवाल ने बताया कि आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज की 55वीं पुण्यतिथि पर 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सैकड़ों भक्त हाथों में दीपक एवं मोमबत्ती लेकर आदरांजलि समर्पित करेंगे। सम्मेलन में जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ, अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज सहित 40 से अधिक संत आएंगे। चित्रकूट पीठाधीश्वर विद्यावाचस्पति डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक मुद्दों पर भी विचार मंथन होगा। आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप के सानिध्य में महोत्सव की दिव्यता को देखते हुए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इसी विषय पर बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर चेतन स्वरूप, हरि अग्रवाल, विजय सिंह परिहार, पंडित योगेंद्र महंत, मोहनलाल सोनी, निरंजन चौहान गुड्डू, सचिन सांखला, भावेश दवे एवं दिग्विजय सिंह सांखला ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, महापुरुषों की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब देश के कोने कोने, जितना निचले जो लोग रहते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, वहाँ तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हमको चाहिए मीडिया का सहयोग। तो संत महापुरुष इसी में ज़्यादा जोर देंगे। कब से कब तक विधान सम्मेलन? ये हमारा सम्मेलन है 8 तारीख से 14 तारीख। कितने संत आएंगे इसमें? करीब वैसे तो संत 200-250, लेकिन मेन वक्ता जो आएंगे वो 40 के लगभग आएंगे और देश के हर कोने से आएंगे। ऐसा नहीं है, पूरे चारों तरफ से हर देश के महापुरुष, महामंडलेश्वर, जगतगुरु भी आएंगे, सभी महापुरुष जो अच्छे विद्वान हैं, वेदांत के जो ज्ञाता हैं, वो सभी संत महापुरुष यहाँ पर आएंगे। विषय कौन कौन से खास रहने वाले हैं? विषय हमारे मेन तो ये वेदांत, उसके बाद हमारा सनातन धर्म का क्या महत्व है, हमारे जीवन में वेदांत का क्या महत्व है और हम जन जन में इसका कैसे प्रसार करें, और जो हमारी जो कुरीतियाँ बताई हमने, तो ये संस्कार कैसे डाले जाएँ, किस माध्यम, ये गुरुकुल वगैरह जो व्यवस्था है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खोले जाएँ और अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाए और वहाँ ही संस्कार मिलेंगे, तभी हमारा समाज सुधरेगा। पूरे आयोजन के दौरान धर्मगुरुओं की मेहमान नवाजी की। अखंड धाम आश्रम की पावन भूमि पे सबसे पहले आप लोग पधारे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 55वां वेदांत संत सम्मेलन है, इसमें वेदांत के महत्व के ऊपर चर्चा होगी, सनातन धर्म के ऊपर चर्चा होगी, गुरु का महत्व क्या है और आध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आधुनिक जीवन शैली के अंदर आध्यात्म का और सनातन धर्म का के साथ साथ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, इसके भी हम मतलब लोगों में जन जागृति लाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके बाद सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, संयुक्त परिवार है ना, वृद्धाश्रम को गोद लेने का भी हम लोग ये करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके भी हम लोग इसके अंदर शिविर भी लगाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से समाज में जो विकृतियाँ आ रही है उसके लिए भी, युवा पीढ़ी के लिए भी, महिलाओं के लिए, यहाँ के स्कूल की बच्चियों को हम बुला के, साइबर क्राइम का भी बहुत ये चल रहा है, पिछले साल भी हमने साइबर क्राइम को लेके यहाँ पे उनको समझाई देंगे, बच्चियों को, बच्चियाँ सेल्फ डिपेंड कैसे रहे, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हम यहाँ पर शिविर लगाएंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। और जो लव जिहाद, धर्मांतरण और जो अभी माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उससे बच्चे अपने आप को कैसे
सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चा कैसे रख सकती है, उसके बचाव के लिए क्या क्या उनको साधन, और कभी कोई ऐसी फंस जाती है इमरजेंसी तो क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बच्चियों को शिक्षित करेंगे। और बाकी धर्म गुरु तो हमारे रहेंगे ही, वो भी समाज में मतलब इसका महत्व क्या है सना? देखिए ये जो आश्रम है ये इंदौर अहिल्या नगरी का सबसे पुराना आश्रम बना हुआ है, और हमारे गुरु जी अखंडानंद जी स्वामी जो यहाँ पर प्रवचन दिया करते थे आज से ये मान के चलेंगे 100 साल पहले से, तो उन्होंने हमेशा, अभी जो हरि भैया ने बताया कि वो हमेशा सामाजिक समरसता का, और दूसरा जो हमारे बच्चों को संस्कार देने का था। यहाँ पर आश्रम में पहले यहाँ चाय भी नहीं बनती थी, यहाँ पर हमारे संतों को उस समय भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करना पड़ता था। तो ये बहुत पुराना आश्रम है और बहुत सिद्ध स्थान है, यहाँ जितने हमारे गुरु अखंडानंद जी के शिष्य हैं वो आज सब अपने अपने जगहों बहुत संपन्न हैं और खुश सुखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो 55वां वेदांत सम्मेलन हो रहा है उसका लाभ जो हमारे इंदौर अहिल्या नगरी के सभी नागरिक और हमारी माता बहनें लें, और यहाँ पर जो पिछले समय से हमारा जो यहाँ आयोजन चल रहा है उसमें वेदांत सम्मेलन के साथ साथ में जो अन्य यहाँ पर समाज में जो विकृति फैल रही है उसके लिए भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई वेदांत के साथ में और भी शिक्षा लेके जाए जिससे उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो। 55वां अखिल भारतीय संत वेदांत सम्मेलन अखंडधाम आश्रम पर आयोजित किया गया है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। इस सम्मेलन में वेदांत के साथ में सामाजिक सरोकार से संबंधित विषयों पर भी संत समाज का मार्गदर्शन मिलेगा, और संत समाज का आह्वान पर आम जनता तक जागरूकता फैलाने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। मैं आम जनता से, धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता रखें, यहाँ आएँ और संतों के मार्गदर्शन प्राप्त करें। पहले तो सदगुरु देव भगवान की जय। शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जिनकी पावन स्मृति में हम ये वेदांत सम्मेलन लगातार 55 वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि शिव हम हर आदमी और हर व्यक्ति के अंदर शिव बसा हुआ है। हमारे गुरु महाराज का एक ही लक्ष्य था, उन्होंने जन जन तक जन सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए अलग लगाया, और 140 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और उन्होंने कभी पैसे को मुँह नहीं देखा, केवल पैसे देते थे उनके शिष्य सज्जन जी महाराज। और आज पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम और उनकी कीर्तन चल रही है। और हमारे एक बात सूत्र है, गुरु का नाम दे दो इशारा मिलेगा, भोले का नाम दे दो सहारा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे शिव हम के साथ में सबको जगाया, और रात और दिन तपस्या करते थे, कभी उन्होंने पैसे को छुआ नहीं, और उनकी त्याग और उनकी तपस्या का फल है जो आज अयोध्या की नगरी में इस प्रकार का वेदांत सम्मेलन हमारे जितने भी सहयोगी लोगों के नाम लूँगा तो बहुत टाइम